Hi, my dear, good morning. Again, I'm with you. Okay, this is the lecture which is suited for just to revise your concept. ये evening का ये lecture आपको भेजा जा रहा है अपने concept को revise करने के लिए. And this will be the last lecture on indefinite integration. So maximum जो complex questions होंगे that will be discussed in this lecture also. इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करूंगा मैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने, ये क्वेश्चन वन हो गया आपके पास. तो देखो क्वेश्चन वन में कैसे करोगे. आइए क्वेश्चन नंबर वन. आई कॉस ई टू द पावर एक्स डी एक्स साइन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर. अब यहां से इसको बाहर निकालना, इसे बाहर निकालोगे तो ऊपर आ गया ई का पावर टू एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, राइट ना. अपने पास आ गया ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर साइन ई टू द पावर एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स इसका होल स्क्वायर. अब जरा गौर से देखो तो बच्चे क्या करना है, गौर से देखो क्या क्या आपके पास आ रहा है. बच्चे क्या आपके पास दिख रहा है, क्या इसका डीसी ऊपर दिख रहा है, क्या ये इसका डीसी दिख रहा होगा आपको. मैं लिखता हूँ, मैं आपका डीसी ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स ई टू द पावर एक्स साइन ई टू द पावर एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स इसका डीसी लिखता हूँ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, राइट ना, इंटू साइन ई टू द पावर एक्स अगेन ई टू द पावर एक्स. नो अगेन कहां से ये हो गया, दिस वन ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स इंटू साइन दिस प्लस ई टू द पावर एक्स साइन का हो गया आपका कॉस ई टू द पावर एक्स, ये हो गया टू. अगेन कॉस का हो गया माइनस में साइन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा ऊपर में, यही आपका डीसी ऊपर में है बच्चे. आंसर में अपने पास क्या आ गया, ये हो गया माइनस, ये अपने पास हो गया माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स साइन ई एक्स एंड कॉस ई टू द पावर एक्स दिस वन प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो. अब अगर हमने कहा फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको टफ लगेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अगर बना हुआ है तो आपको बहुत ही इंजॉय होगा, बहुत ही आसान होगा बच्चे, कुछ नहीं करने का. सेकंड में मैं लिखता हूँ क्या, ऐसे ये लिखा, यहाँ से भी निकालते हो आप, यहाँ से क्या हो गया ई के पावर एक्स आई इंटू ई के पावर टू एक्स डी एक्स, बिल्कुल ठीक है. अपने पास आ गया ई टू द पावर एक्स साइन ई टू द पावर एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर. अब यहाँ से प्लेस करेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे यहाँ पे. अब यहाँ लिखता हूँ मैं पुटिंग e टू द पावर एक्स को t मान लिया तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स डी एक्स, ये अपने पास आ गया dt, क्या हो गया ये t साइन t प्लस cos t होल स्क्वायर. ऊपर अपने पास आ गया, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया t स्क्वायर dt. अब फिर से फंसा, फिर से क्या फंस रहा है बच्चे, फिर से परेशान करेगा आपको. तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टी के लिए. फिर से लिखोगे पुटिंग टी के लिए टैन एक्स टैन वाई मान लो इस बार, तो ये हो गया आपका डी टी, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई एंड डी वाई, बिल्कुल सही है. अब यहाँ देखता हूँ बच्चे क्या आया, ये अपने पास आ गया टैन टी फॉर टैन, टैन हो गया तो टैन वाई साइन साइन टी रहने दो, अभी कॉस टी अभी रहने दो, इसका होल स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, कितना टी स्क्वायर अपने पास हो गया टेन स्क्वायर वाई और डी टी हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सही है ना. अब इसको मैं ठीक करता हूँ, देखो जरा से इसको ठीक कैसे करेंगे. टेन को लिखा जाए साइन बाय कॉस,
तो साइन साइन हो गया, कॉस टी कॉस वाई हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, ये अपने पास आ गया, नीचे में हो गया कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस वाई माइनस टी, कॉस वाई माइनस टी दिस वन राइट ना, कॉस वाई माइनस टी इसका होल स्क्वायर, ये अपॉन कॉस होगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर गया तो कैंसिल बच्चे, अपॉन करेंगे कॉस तो कॉस स्क्वायर गया तो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका टेन स्क्वायर वाई डी वाई। अब चेक करें क्या, अब टी का वैल्यू दे देंगे, टी का वैल्यू देंगे तो टी का वैल्यू देंगे तो क्या अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया कॉस स्क्वायर वाई हो गया आपका, वाई नहीं वाई रहने दीजिए वाई, टी का वैल्यू हो गया टेन वाई, तो ये अपने पास आ गया टेन वाई माइनस वाई दिस वन, स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव को, ये अपने पास आ गया टेन स्क्वायर वाई टी वाई। अब देखो तो अच्छे इसका डी सी है क्या, इसको ठीक करें आप, इस ऊपर लाएँ, इस ऊपर लाएंगे सेक स्क्वायर टेन वाई माइनस वाई इन टू टेन स्क्वायर वाई, ये डी वाई इसका डी सी है क्या, ये टेन स्क्वायर टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस वन क्या हो गया टेन स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया आपका टेन ऑफ टेन वाई माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट के, यही आंसर हो गया टेन ऑफ टेन वाई हो गया टी टी माइनस वाई, वाई क्या हो गया टेन वर्स टी दिस वन, वाई हो गया आपका टेन वर्स टी दिस, और टी का वैल्यू फिर से दीजिएगा, टी का वैल्यू अपने पास क्या हो गया, टी का वैल्यू हो गया ई के पावर एक्स, टेन वाई कहाँ था, टेन वाई अपने पास था टी, टेन वाई था टी राइट, तो ये हो गया आपका ई टू द पावर एक्स, टी अपने पास क्या बचे, टी बराबर ई के पावर एक्स था, ई के पावर एक्स को टी माना था और टी को ही टेन वाई माना था, तो सीधे लिख दो ना टेन वाई का वैल्यू हो गया ई के पावर एक्स, टेन वाई हो गया ई के पावर एक्स, टेन वाई ई के पावर एक्स राइट ना, यहां से लिखूंगा मैं टेन वाई हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस टेन इनवर्स ई का पावर एक्स, सही है क्या, वाई का वैल्यू कितना हो गया टेन वाई हो गया दिस, तो वाई हो गया टेन वर्स ई का पावर एक्स, सही है दिस वन प्लस कॉन्स्टेंट के, प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया, सही था क्वेश्चन, ठीक है सबका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना क्या ब्यूटी है, इस क्वेश्चन का ब्यूटी है कि आप पहले यहाँ टू लगा दो तो यहाँ वन बाय टू आ गया, तो लिखोगे आई का वैल्यू, आई लिखोगे क्या हो गया अपने पास, आई लिखेंगे वन बाय टू ऑफ, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया एक्स, ऊपर लिखोगे साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स राइट ना, ये हो गया वन बाय टू ऑफ, इसकी बात करोगे तो आप देखो तो बाई पार्ट बन गया, एक पार्ट दो पार्ट, तो इसको लिखोगे एक्स बाहर ऐसे, इसका डी सी देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इस साइन स्क्वायर का डी सी होता है साइन टू एक्स, कॉस का भी हो गया साइन टू एक्स माइनस में, तो कुछ नहीं इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास आ गया दिस वन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स राइट ना, एंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, क्योंकि आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीपल आना चाहिए था जो नहीं है, तो आपको डिवाइड किया बच्चे, आपने डिवाइड किया, अब देखिए यहाँ क्या बना माइनस, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या अपने पास आ गया, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू अपने पास आ गया वन बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर में भी था तो माइनस भी तो आता ना, तो माइनस भी लेंगे यहाँ पे, माइनस भी लेंगे तो ये अपने पास आ गया प्लस, प्लस आ गया तो अपने पास क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन दिस एक्स का हो गया डी एक्स दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे आप, अब यहाँ से इसको ठीक करेंगे
ये आंसर हो गया अपने पास कितना, माइनस में x अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स राइट ना, प्लस 1 बाई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी बात करोगे तो यहाँ से अपने पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मर्जी हो तो बी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, इस बी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो यहाँ अपने पास आ गया बी स्क्वायर, ये हो गया अपने पास ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास हो गया ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस वन दिस वन। अब देखो क्या बना बच्चे, अब अपने पास हो गया आंसर में दिस वन प्लस वन बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टैन का डी सी सेक स्क्वायर है तो ये हो गया आपका टैन इनवर्स टैन ऑफ एक्स अपॉन ए अपॉन बी, ये दिस हो गया और वन अपॉन ए बी तो होता है ना, तो वन अपॉन ए, वन अपॉन ए हो गया, यहाँ हो गया ए, ये हो गया आपके पास बी, एक बी कैंसिल प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, सही है सबका, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन फोर क्या है, एक शानदार जानदार क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, ए फंक्शन एफ एक्स विच इज कंटिन्यूअस ऑन आर रियल एंड पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2 पाई सेटिस्फाइंग दिस, इसे सेटिस्फाई करता है बच्चे, जो फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई है, कुछ नहीं करने का, अपन को एफ एक्स चाहिए, अपन को एफ एक्स चाहिए बच्चा, तो अपन क्या करेंगे, ये दिया हुआ बच्चे, अपन यहाँ लिखना चाहते हैं एक्स को प्लेस करना चाहते हैं पाई प्लस एक्स से, तो ये क्या हो गया फंक्शन पाई प्लस एक्स, ये अपने पास क्या आ गया बच्चे, ये आ गया माइनस में साइन एक्स फंक्शन 2 पाई प्लस एक्स राइट, ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको एक हटाने का बच्चे, अब इसको ठीक करेंगे कैसे, देखो क्या करना, ये हो गया अपने पास फंक्शन पाई प्लस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन था, पीरियड 2 पाई था, तो सिंपली हो गया एफ एक्स, ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो तो मुझे एफ एक्स बचानी है, एफ एक्स बचानी है तो इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, अब जरा देखो तो क्या हो गया, अब जरा देखिए क्या बना, ये पार्ट कैंसिल, बचेगा आपके पास एफ एक्स, ये बचेगा आपके पास एफ एक्स दिस वन, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा आपके पास ये माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस साइन एक्स एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स ये अंदर आएगा बच्चे, अगेन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यू एक्स। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, सही है सही है, अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सिंपल फंक्शन आ गया बच्चे, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन तो इसे कर ही सकते हैं आप, अब इसका इंटीग्रेशन करना हो अब चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो देखो क्या बनेगा कैसे, इसमें वन जोड़ दीजिएगा वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे फायदा क्या मिलेगा, एक पार्ट हो गया एक्स, एक पार्ट एक्स हो गया, तो ये हो गया आपका वन प्लस साइन क्यूब एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना। अब इसको भी दो पार्ट कर दोगे आप, इसे भी दो पार्ट कर दो बच्चे, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स कहाँ से आया, इंटू साइन एक्स। अब इसमें वन ऐड करो वन सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या बना, फिर से देखते क्या बना,
ये बनेगा x माइनस, इसको ठीक करेंगे आप, इसे अभी लेके चलता हूं मैं, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहां से कैंसिल हो गया अच्छे, तो ये बनेगा आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस प्लस हो गया, ये बनेगा आपका साइन एक्स अपॉन, ये हो गया आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते, इसके बाद आपका काम है, इसके बाद काम आपका है बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5-6, क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 अपने पास है I का वैल्यू डी एक्स अपॉन, यहाँ से कॉस बाहर निकाल लो तो ऊपर अपने पास आ गया सेक स्क्वायर, ऊपर अपने पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रूट टेन एक्स प्लस वन पावर फोर। अब रूट टेन एक्स को क्या करना, टेन एक्स को मान लोगे टी टी स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपने पास आ गया टू टी डी टी। तो आई क्या वैल्यू अपने पास दो क्या आ गया, व्हाट विल गेट, सो आई विल बिकम, आई विल बी हियर टू टी डी टी एंड अगेन टी प्लस वन होल स्क्वायर होल फोर, राइट ना। अब इसे कुछ नहीं करने का, अब देखो क्या करना, टी प्लस वन माइनस वन, राइट टू आउट दिस वन, दिस वन अगेन इट विल कम आउट वन बाय टी प्लस वन होल क्यूब माइनस वन बाय टी प्लस वन होल फोर डी टी, ये इसका वैल्यू आ गया। अब हो गया टू टी ऑफ, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर बढ़ता है नीचे घटेगा, तो ये हो गया अपने पास माइनस में टू ऑफ टी प्लस वन प्लस में वन बाय थ्री ऑफ टी प्लस वन होल क्यूब एंड प्लस कॉन्स्टेंट के, और टी अपने पास क्या था, टी स्क्वायर था, टेन एक्स था, टी हो गया रूट टेन एक्स। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे वेयर वेयर टी इक्वल्स टू रूट टेन एक्स, ये क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन सिक्स क्या बोलता है, क्वेश्चन सिक्स है इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन देन फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का पीरियड चाहिए बच्चे, कैसे निकालोगे चेक करें आप, आइए एफ डैश एक्स गिवन है वन बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स, यही है ना डेरिवेटिव ऑफ दिस, इट इज गिवन बच्चे, नाउ टू टाइम एफ एक्स एफ डैश एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका डी सी यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स स्क्वायर, राइट ना, बाई टू टू कैंसिल, ये अपने पास हो गया, इसका इंटीग्रेशन करो कॉस टू एक्स का, तो ये बनेगा आपका साइन टू एक्स बाई टू, एफ एक्स अपने पास क्या हो गया, एफ एक्स हो गया वन बाय रूट टू, ठीक है ना, रूट अंडर साइन टू एक्स, ये इसका वैल्यू आ गया। प्लस माइनस भी लिख सकते थे, अपन को पीरियड चाहिए, इसका पीरियड क्या हो बच्चे, इसका पीरियड क्या हो गया, देखो तो इसका पीरियड हो गया अपने पास पाई, साइन टू एक्स, साइन एक्स का पीरियड होता है टू पाई, बट साइन टू एक्स है बच्चे, सो पीरियड इज पाई, टू पाई अपॉन टू, राइट ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये दो क्वेश्चन इस पैटर्न पे और ले लिया मैंने, इसके बाद मैं चलूंगा रिडक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, तो रिडक्शन का एप्लीकेशन देखिए, फर्स्ट नंबर में सेवन नंबर क्या करना, आई दो पार्ट हमारे पास है, एल एन कॉस एक्स बाहर करेंगे, ये अपने पास आ गया साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ये साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कॉस टू एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया बच्चे यहाँ पे, राइट ना। एंड एल एन कॉस का क्या हो गया वन बाय कॉस एक्स, वन बाय कॉस एक्स, कॉस का हो गया साइन एक्स
एंड डी एक्स, ये कंडीशन बना। अब इसे ठीक करें आप, तो माइनस में कॉस टू एक्स बाय टू एल एन कॉस एक्स, राइट ना, कॉस का वन बाय कॉस, और कॉस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया बच्चे, तो प्लस फिर माइनस आ गया, ये फिर से माइनस आ गया बच्चे, यहाँ से माइनस हो गया बच्चे, पहले माइनस होता है, फिर आपने क्या कि साइन क्या हुआ था, प्लस हो गया था, अगेन लॉ कॉस का, कॉस का हो गया माइनस साइन, राइट, तो ये अपने पास आ गया दिस वन माइनस वन बाय टू ऑफ ऊपर में। अब यहाँ देखो क्या करना, कॉस टू एक्स को ब्रेक करोगे, कॉस टू एक्स को ब्रेक करोगे तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब ये सिंपल हो गया इसके साथ और इसके साथ, तो देख तो बच्चे क्या बना, दिस वन माइनस वन बाय टू हट जाएगा, बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये बनेगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट ना, और माइनस और प्लस वन बाय टू ऑफ, ये बनेगा आपका टैन एक्स डी एक्स। देखिए क्या बना, माइनस में वन बाय टू ऑफ कॉस टू एक्स एल एन कॉस एक्स माइनस, ये अपने पास हो गया कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, या साइन का इंटीग्रेशन डीसी क्या हो अच्छे, सबसे अच्छा तरीका लिखो ऐसे, साइन का डीसी हो गया कॉस, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय टू वन बाय टू एल एन सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका, सही है ना। तो क्वेश्चन एट देखा जाए, क्वेश्चन एट क्या बात है बच्चे, शाम वाले क्लास में बच्चे कम है, ओनली 64-65 दिखा रहा है, पर इट्स ओके बेटे, यही आपको शूट करके भेजा जा रहा है, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन देख पा रहे हैं 60-62 वो देख लीजिए, आउट ऑफ 135 है ना, 135 है, तो 135 में 60-62 देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आप इसको लेकिन स्थिर से आराम से जब मौका मिले इसको रिवाइज कर लेना। अब देखो बच्चे अब यहाँ क्या करने का, यहाँ से ठीक करोगे तो इसको मैं एक साथ करता हूँ, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन अपने पास आ गया एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या बनेगा, ये अब ये बन जाएगा, इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट ना, ऊपर अपने पास न्यूमरेटर में एक्स है बच्चे। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, वो भी नहीं आपको आसानी से बन जाएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, देख तो वन प्लस स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स है तो टू एक्स आपका टू आएगा, एक अपने पास टू आ गया, दिस वन, तो वन प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका वैल्यू बनेगा, ये बनेगा वन बाय टू कैंसिल, तो वन बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वन बाय टू, और यहाँ से ये कैंसिल, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वन बाय टू ऑफ, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस में, फर्स्ट में हमारे पास ये कैंसिल, तो वन बाय एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी ये बनेगा ना आपके पास, क्या बना आपके पास, देखोगे आपका रिजल्ट क्या बना बच्चे, यहां से अपने लिखेंगे हम लोग क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और राइट में वहां से ये कैंसिल, तो बचेगा आपका दिस वन, सॉरी राइट में आपके पास क्या बचा, ये कैंसिल तो बचेगा वो दिस वन, राइट, तो ये अपने पास हो गया वन बाय टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, तो प्लस वन बाय टू वन बाय वन प्लस एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ इसका, अब मैं चलूँगा थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा सम प्रॉब्लम्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वैसे ये हम लोग चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा करते हैं, और वहीं से आता है, इससे आएगा नहीं आपका, बट ऐसे ही आप देख सकते हो, अच्छा रहेगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, कोई टेंशन नहीं, देखो इसे क्या करना, तो क्वेश्चन में देखो क्या करने का, क्वेश्चन में फर्स्ट
क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास है आई एन, ये अपने पास है टेन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसे लिखता हूँ मैं क्या टेन टू द पावर एन माइनस टू, मोटिव होता है इसका डीसी सेट करना, तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखूंगा क्या टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर को लिखना चाहता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, सही है ना। अब ये देखो तो इसके साथ ये आ गया, तो ये अपने पास आ गया टेन का पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, राइट, माइनस में आई एन माइनस टू, बिल्कुल सही है। आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था आई एन, आई एन प्लस आई एन माइनस टू, दिस इक्वल्स टू टेन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, राइट ना। अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो, इसी क्वेश्चन में अगर आपका लिमिट दिया होता जीरो टू पाई बाय फोर दिया होता, तो जीरो टू पाई फोर दिया होता बच्चे, तो ये अपने पास जीरो टू पाई फोर करते तो ये अपने पास हो जाता वन बाई एन माइनस वन, सही है ना, वन बाई एन माइनस वन, तो ये अपन आ सकता है, ठीक है ना, प्रॉपर आपका डेफिनेट के फॉर्म में आ सकता है, इनडेफिनिट में आपको आएगा नहीं, बट एक रिसर्च हो जाता है, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे गिवन है, क्वेश्चन टू, सबसे पहले देखना होगा आपका मोटिव क्या है, हर क्वेश्चन में मोटिव देखा जाता है, मोटिव क्या है, कोट किसका डीसी है, कोट का डीसी क्या होता है कोसेक स्क्वायर, इसको कोसेक स्क्वायर में चेंज करो, तो कोट स्क्वायर लिखोगे तो उसको लिखोगे आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स दिस वन। अब देखो तो इसका आपके पास डीसी आ गया क्या, तो ये अपने पास आ गया कोट टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, बिल्कुल सही है, माइनस ये बन जाएगा आई एन माइनस टू, क्या बन गया आई एन माइनस टू, आई एन का वैल्यू आई एन माइनस प्लस हो गया आई एन माइनस टू इक्वस टू माइनस कोट टू द पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था अच्छे क्वेश्चन में, डिराइव करना था इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिस, अब इसे खोलना है, देखो कितना आसानी से खोलेंगे अपन, यहाँ से चाहिए क्या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए बच्चे, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लाओगे आप, ये तो सिंपल क्वेश्चन में आ गया, तो यहाँ लिखता हूँ टेन फोर एक्स, और टेन फोर का टेन स्क्वायर का लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो यहाँ देखो क्या आ गया, ये अपने पास आ गया टेन फाइव एक्स अपॉन फाइव, राइट ना, माइनस टेन फोर एक्स, टेन फोर एक्स डी एक्स, अगेन इसकी बात करेंगे तो टेन फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस, अब इस टेन इसकी फाइव बात करोगे टेन फोर की बात करोगे तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, अपने पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, सही है ना, आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग कार्तिक, कार्तिक यार डिस्टर्ब हो गया था ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना था, जैसे चल रहा वैसे चलना था, ये है ना, कार्तिक कार्तिक बोला दोबारा उसको ठीक कर देना। आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ना, तो अब चेक करो बच्चे क्या करने का, अब यहाँ देखता हूँ मैं क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका टेन टू द पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस, इसका डी सी यहाँ है तो ये बन जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस, अब बन गया टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड दिस वन, अब देखो क्या बना अपने पास, ये बन जाएगा आपका टेन टू द पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, क्वेश्चन में क्या था अपने पास, क्वेश्चन में कुछ वैसा ही था क्या, टेन एक्स माइनस वन नहीं है, एक चीज छूटा हुआ लगता है, मिसिंग यहाँ है, यहाँ मिसिंग है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग गया है, माइनस एक्स भी होगा, माइनस एक्स प्लस के। चलिए अब आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी, आपको चाहिए बच्चे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वन बाय फाइव माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, सही है ना, इसका वैल्यू निकालिए क्या बना, ये बना आपका 15, तो ये हो गया आपका 3
ये बन गया आपका 3 - 5 - 5 अब +15। तो देखो तो 15 में से 5 गया 10, 10 और 3 13, 13 by 15 आपका आंसर हो गया, सही है ना, ये आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा आपका साइन के फॉर्म में। जरा साइन के फॉर्म में चेक करें क्या हो गया आपके पास। जब जैसे ही साइन दिखे आपको इसको क्या करने का, साइन टू द पावर nx dx, ठीक है ना। तो साइन टू द पावर n माइनस 1 बाहर निकालो बच्चे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कॉस एक्स माइनस में, तो ये अपने पास आ गया कॉस एक्स, इसका डीसी बाहर निकाला आपने तो एन माइनस 1 साइन टू द पावर एन माइनस 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या बना अपने पास, ये हो गया माइनस में साइन टू द पावर एन माइनस 1x इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस 1 साइन के पावर एन माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बना कोस स्क्वायर एक्स। तो ये अपने पास दिस वन अगेन दिस प्लस एन माइनस 1, ये बनेगा एन माइनस 2 आई एन माइनस 2 और दिस एन माइनस 1 आई एन, सही है ना। ये अपने पास आ गया वैल्यू आई एन, इसको आई एन को इस तरफ लाओगे अपने पास तो यहाँ क्या हो गया माइनस आई एन, ये अपने पास आ गया माइनस में, इसके साथ माइनस में आई एन तो लाएंगे आप तो बनेगा आपके पास का एन टाइम आई एन माइनस साइन टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स एन माइनस 1 आई एन माइनस 2, राइट। अब यहां से आई एन का वैल्यू साइन टू द पावर एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन एन एन माइनस 1 अपॉन दिस आई एन माइनस 2, ये इसका वैल्यू हो गया। यही प्रूफ करना था शायद, यही शायद प्रूफ करना था, देखेंगे यही प्रूफ करना था, राइट ना। तो अब बाय द वे साइन के पावर 10 हो, साइन के पावर 11 हो तो रिडक्शन से आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें बहुत मजा आएगा, अगर इसमें लिमिट 0 to π/2 दे देता ना तो आप सीधे आंसर लिखते बड़ा आसान हो जाता। उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ही बोल के, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं वेवी कर्व नेचर, या उसको बोल सकते हैं साइन कॉस रूल। आएंगे अपने टॉपिक में, आ रहा हूँ मैं अगले क्लास में, कल से आपका स्टार्ट होगा डिफरेंट डेरिवेशन और बहुत मज़ा आने वाला है। तो सेम पैटर्न ये भी है, तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चे, ये आपका हो गया होमवर्क, ये आप कर लेंगे ना, सेम पैटर्न आप कर लेना, ऐसे ही आए चाहे नहीं आए कर लेना इसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब जो है देखता हूँ सेक के लिए, तो सेक के लिए देखता हूँ बच्चे क्या करना, सेक में अपने पास क्या है आई एन, ये अपने पास हो गया सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसे ठीक करेंगे कैसे, सेक लाने के लिए सेक माइनस 2 करना पड़ेगा आपको, टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखना होगा सेक स्क्वायर को 1 + tan² x, नो गलत हो जाएगा 1 + tan² x, इस बार आइए आप सेक स्क्वायर लिखिए अच्छा रहेगा, ऐसे लिखिए अच्छा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब जरा चेक करो क्या बना, तो ये बनेगा सेक टू द पावर एन माइनस 2x, इसका अपने पास आ गया टेन एक्स माइनस, ये बनेगा आपका टेन एक्स इंटू, इसका बनेगा क्या देखो तो गौर से, टेन एक्स इंटू सेक का डीसी हो गया बच्चे एन माइनस 2 ऑफ सेक पावर एन माइनस 3x और सेक का डीसी हो गया सेक इंटू टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स यहाँ आ गया टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या बना, ये हो गया सेक ऑफ एन माइनस 2 ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस 2 एन माइनस 2, ये कट के हो गया बस इतना एन माइनस 2 और ये अपने पास सेक टू द पावर एन माइनस 2 ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स राइट। ये अपने पास दिस वन माइनस एन माइनस टू ऑफ, इसकी बात करोगे ये अपने पास फिर से आ गया आई एन और माइनस में एन माइनस टू, तो ये प्लस हो गया आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू। अब देखो क्या बना अपने पास बच्चे, अपने पास बचेगा क्या, ये अपने पास चल रहा था आई एन, आई एन ठीक यहाँ लेंगे आप तो क्या हो गया वन प्लस एन माइनस टू है, तो ये हो गया आपका एन माइनस वन ऑफ आई एन सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स टैन एक्स माइनस प्लस में एन माइनस टू आई एन माइनस टू। इसे ठीक करेंगे आप तो ये अपने पास आ गया आई एन सेक अपॉन एन माइनस टू एक्स टैन एक्स अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन एंड आई एन माइनस टू राइट ना। ये आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में, इसी फॉर्म में लाना था। वैसे मैंने कहा बेटे इस तरह क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अरे लाना क्या है बच्चे, सेक के पावर माइनस वन दिस वन एन एन माइनस वन, कुछ गलत हुआ क्या, चेक करो जरा गौर से, चेक करो गौर से बच्चे क्या हो गया। यहाँ से लिखा हमने सेक स्क्वायर एक्स का हो गया आपका टेन एक्स ठीक है, माइनस में हो गया टेन एक्स, सेक का हो गया दिस एन माइनस थ्री सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है। अब यहाँ बनेगा दिस वन एन माइनस टू, एन माइनस टू हो गया तो ये हो गया अपने पास सेक का पावर एन माइनस टू, टेन स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो बिल्कुल सही है अपने पास एन माइनस टू ऑफ आई एन और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया एन माइनस टू ऑफ आई एन, सही है ये सही है और यहाँ से सही है बच्चे। तो ये अपने पास जो आया ये गलत था, ये नहीं आता, ये नहीं आया बच्चे। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, ये आंसर आएगा दिस इज द आंसर, ये इसका वैल्यू आएगा सही है राइट ना। क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, उसी पैटर्न पे लो, हाँ वही क्वेश्चन गलत था वहाँ, देखो उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है ना, एन माइनस वन एन माइनस टू सेम है। तो ये आपका फिर से आ गया होमवर्क, ये आपको करना है होमवर्क, ये आपको आपको बनानी है सेम पैटर्न पे, कोसेक टू द पावर एन माइनस टू करना इंटू कोसेक स्क्वायर करना, जैसे सेक में क्या था वैसे यहाँ करना है सेम कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, अब देखें क्या करेंगे। अब ये मजेदार इज्जतदार लज्जतदार क्वेश्चन आ गया, अब देखें क्या करेंगे। ये क्या करोगे, साइन टू द पावर एम एक्स है इंटू कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स है बच्चे। अब इसे किसी एक को खोलना, एक को रहने देना, एक को खोलोगे एक को एच डी रहने देना, देखो क्या बनता है। एक को खोलेंगे आप एक को रहने देंगे, तो मैं यहां लिखता हूं क्या, एक साइन निकालता हूं बच्चे एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ऐसे रहा अच्छा रहेगा। अब इसको लिखता हूँ मैं साइन टू द पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस का डीसी साइन है बच्चे, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, तो माइनस में कॉस टू द पावर एन प्लस वन ठीक है ना, कॉस टू द पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन, अपने को चाहिए क्या, दूसरे फॉर्म में चाहिए क्या, एम साइन में चाहिए, अच्छा साइन में एम प्लस वन चाहिए बच्चे, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो आप, दोनों सही था, जिस स्टाइल में आप ले जाइए आप उसे, जिस फॉर्मेट में ले जाइए आप है ना। अपन क्या करते हैं बच्चे, यहाँ लिखेंगे साइन का पावर एम एक्स कॉस का पावर एन माइनस वन इन टू कॉस एक्स, ये लिखा तो इसको पहले ऐसे लिखता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे साइन की पावर बढ़ानी है,
साइन की पावर बढ़ानी है तो यहां लिखूंगा मैं क्या, कॉस का पावर एन एक्स साइन का पावर एम एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया अपने पास पावर एन माइनस वन दिस वन। अब देखो तो इसको मान लो एक फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, तो ये अपने पास हो गया कॉस टू द पावर एम माइनस वन एक्स, कॉस टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन एक्स, साइन का इंडिकेशन कॉस है तो ये हो गया साइन टू द पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, राइट ना। माइनस इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे देखो क्या आ गया, इसका इंटीग्रल वैल्यू, इसका इंटीग्रल वैल्यू वन बाई एम प्लस वन साइन टू द पावर एम प्लस वन एक्स इंटू कॉस का डीसी करोगे, कॉस का डीसी करोगे तो एन माइनस वन, ऊपर अपने पास आ गया एन माइनस वन, राइट, कॉस टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स करोगे, ये पहले से माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या बना अपने पास, सेम आ रहा है क्या, ऊपर एन माइनस वन आ रहा है, नीचे एम प्लस वन कहाँ से आ रहा है, कुछ वहाँ कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, देखता हूँ क्या आ रहा है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ गया, ये अपने पास आ गया कॉस टू द पावर, ये अपने पास आ गया साइन टू द पावर एम प्लस वन एक्स, कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, राइट। इसको लिखूंगा मैं एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन, दिस इसकी बात करूंगा तो ये अपने पास हो जाएगा एम प्लस टू, तो ये हो गया आपका साइन एम प्लस टू एंड कॉमा एन माइनस टू, है क्या, एम एन था साइन एम प्लस टू एन माइनस टू, एन माइनस टू, राइट, हाँ सही है अपने पास, बट वहाँ पे हमारे पास है एम, एम हमारे अपने पास है तो एम कैसे आएगा, एम कैसे आएगा, इसका एक बढ़ेगा वैल्यू, वैल्यू तो पावर हो गया एम प्लस टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आपका वैल्यू बढ़ेगा, पावर एम प्लस वन, एक साइन एक्स और आ गया तो एम प्लस टू हो गया बच्चे, तो ये तो अपने पास एम प्लस टू आ गया। फिर से चेक कर ले, एक बार फिर से रीचेक कर ले बच्चे, रीचेक करेंगे, साइन हमारे पास ये हो गया कॉस का पावर एन माइनस वन साइन एम कॉस एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का डी सी कॉस एक्स दिया है तो साइन के पावर एम प्लस एन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन प्लस साइन के पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, राइट, कॉस का डी सी हो गया एन माइनस वन इंटू कॉस पावर एन माइनस टू एक्स, कॉस का डी सी माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही है यार, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही होगा भाई, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, अब इसको रेक्टिफाई कर लेना है, यही आंसर आना है, यही आंसर आना है, यहाँ पे अपने पास आना है एम प्लस वन सही है ना, ये अपने पास आ गया एम प्लस टू और एन माइनस टू, ये वैल्यू आ गया, सही है। इसको फिर भी चेक कर लेंगे, इसे फिर भी चेक कर लेंगे, दोबारा रीचेक करना है बेटे, कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, सही है, एंड इट्स ऑल माई डियर, सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। तो आशा है आपने इंडिफिनिट को काफ़ी इंजॉय किया होगा, इंडिफिनिट में मेरी कोशिश थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितने डिफरेंट वेराइटीज़ हो सकते थे वो आपका इंडिया लेवल पे किसी भी कंपटीशन का, किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, किसी के भी सीट का, है ना, किसी भी ब्रांडेड सीट का मैंने कोशिश की है प्रेजेंट करने का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, सारे क्वेश्चन को हमने एक आपका जो है आपको प्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, कल सुबह मॉर्निंग में तैयार हो जाइए, सबसे बढ़िया टॉपिक इंडिफिनिट की बात यह है, इंडिफिनिट में पूरा पढ़ने के बाद भी केवल एक क्वेश्चन आएगा और आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट डेफिनेट में डेफिनेटली दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, दो मिनिमम दो और तीन क्वेश्चन भी आते हैं। सो सबसे बढ़िया पार्ट, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट देखा जाए और सबसे आसान टाइप में बनने वाला क्वेश्चन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और मुझे लगता है आई विल टेक नियरली 10 क्लासेस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।